बात करने वाले एनर्जी के बारे में। आजकल एनर्जी बहुत मात्रा में यूज़ करते हैं, जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। एक मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और हाइड्रोलिक एनर्जी होती है। वैसे हमने लास्ट ईयर हमारा डिप्लोमा का प्रोजेक्ट जो बनाया है वो एनर्जी एनर्जी का ही बनाया है, जो एक मैकेनिज्म यूज़ करके हमने एक एनर्जी स्टोर की है, एयर एयर जो स्टोर किया है वो हम एयर किसी भी तरह वापस यूज़ कर सकते हैं। चलो इसका हमने बताने के पहले हम हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम है सौरभ कोटे और आप देख रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट, जिसका नाम है पेडेस्टल एयर कंप्रेसर। पहले से कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है वो है टैंक, सर्ज टैंक है जिसमें एयर स्टोर होगा। ये जो दोनों खंभे वाले दिख रहे हैं वो है पंप यानी पिस्टन एंड सिलेंडर यूज कर रहे हैं, वो आइसोलेशन होते हैं। ये देख रहे हैं हम क्रैंक व्हील, ये क्रैंक शाफ्ट है, एग्जॉस्ट वॉल है, ये वॉल है एक। अब ये देख रहे हैं ये कैसा वॉल है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। ये है चेक वॉल विथ फ्लो कंट्रोल वॉल, इसमें एक ही तरफ से एयर आ जाती है और इसमें स्टोर होती है, दूसरी तरफ से एयर फिर से निकलती नहीं और यहाँ से हम फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने ज्वाइन किया है टू पंप को, जो ऑसिलेट करेंगे और एयर कॉम्प्रेस करेंगे। इसमें दोनों तरफ हमने क्रैंक यूज़ करी है, दो पंप मोस्टली हम यूज़ करिए। और ये पूरा मैकेनिज्म हमने जो बनाया है वो चेन ड्राइव में यूज़ करते हैं। जब इसमें एयर स्टोर होगा तब इसकी जो एयर की जो प्रेशर है वो ये यहाँ पे दिखाएगी। ये है प्रेशर गेज, मैक्सिमम प्रेशर है वो 3 bar है, तो हमने ये यूज़ किया है। पहले हम अब वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि कैसा ये वर्किंग होगा। पहले तो हमने बाइसिकल खरीदी, बाइसिकल फ्रेम के बारे में बाइसिकल माउंट के ग्राउंड लेवल पे। उसके बाद हमने क्या किया, ये चेन ड्राइव यूज़ किया। चेन ड्राइव क्या होता है, जब हम पेडल चेन ड्राइव ये है कि पेडल विथ चेन मैकेनिज्म है, स्पॉकेट है, टू बेयरिंग्स है, पीछे की तरफ का पूरा पार्ट हमने निकाल दिया और यहाँ पे जोड़ दिया टू बेयरिंग जोड़ दिए यहाँ पे हमने, और इन बिटवीन टू बेयरिंग्स वन शाफ्ट हमने कनेक्ट किया है और स्पॉकेट कनेक्ट किया है जो चेन ड्राइव से कनेक्ट होता है। जब हम पेडल घुमाएंगे तब ये व्हील घूमेगा, जब ये व्हील घूमेगा तब ये दोनों पंप ऑसिलेट होंगे और जो एयर कॉम्प्रेस करेंगे वो इस पाइप से होसेस से पाइप से निकलते हुए टू पाइप ने एक ही जगह पे कनेक्ट करने के बाद एक ही आउटपुट निकाला है, वो चेक वाल्व से निकलकर सीधा सर्ज टैंक में आता है। जब ये टू ऑसिलेशन होंगे तब जब एयर कॉम्प्रेस होगी और यहाँ पे सर्ज टैंक में स्टोर होगी चेक वाल्व की मदद से, और इसमें से एयर फिर से वापस नहीं जाएगी क्योंकि हमने चेक वाल्व वन डायरेक्शन वाल्व यूज़ किया है। और ये जो एयर है वो यहाँ पे हमने एग्जॉस्ट वाल्व बिठाया है, जो हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं एयर किसी भी एप्लीकेशन से। मोस्टली ये यूज़ करते हैं हम क्लीनिंग के लिए, पेंटिंग के लिए और इंडस्ट्री में। सिंपल एप्लीकेशन है, ज़्यादा मोस्टली नहीं है। इसकी कैपेसिटी है 3 bar से 2.5 bar तक स्टोर कर सकता है। ये दो हम देख रहे हैं वो पिस्टन एंड सिलेंडर है, यानी कि हमने पंप यूज़ किया है, पिस्टन एंड सिलेंडर। प्रेशर गेज हमें प्रेशर दिखाता है। तो हम अब इसका वर्किंग देखते हैं, मतलब क्या होगा ये, हम देख रहे हैं इसका वर्किंग। तो देखो यहाँ पे पेडल घुमाओ। अब इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, जो एयर एनर्जी स्टोर हो रही है वो हमें कहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इंडस्ट्री के लिए, होम एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, होम एप्लीकेशन के लिए मतलब हम क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, होम का जो बेसिक पेंटिंग होता है उस पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बहुत एयर गन यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से हम एयर ब्रेक भी बना सकते हैं, जो हमने बाइसिकल के लिए मतलब टू व्हीलर्स के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने थोड़ी मात्रा में एनर्जी तो आप स्टोर की हुई है, तो दिखाते हैं कैसी एनर्जी स्टोर हो गई। ये एग्जॉस्ट वाले यहाँ पे आप एनर्जी स्टोर हो गई है, जब ये ओपन करूँगा, हाँ अब ये ओपन ही था, अभी फिर से हम करेंगे। मतलब हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, वो एनर्जी भी स्टोर होती है। वैसे हम होम एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने हम यहाँ पे चेन ड्राइव दिया है, मतलब बेसिक यूज़ दिया है, चेन ड्राइव दिया है। यहाँ पे हम बेल ड्राइव भी दे सकते हैं, बेल ड्राइव यूज़ करके हम इंडस्ट्री में जो मशीन्स होती है उसमें एक वाव हम दिखाते हैं एग्जॉस्ट वाल्व में कैसे करेगा काम है। ये देखो
एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। हमने अभी इसमें चेन ड्राइव दिया है, उसके हम बदले से बेल्ट ड्राइव दे सकते हैं। चेन ड्राइव इसलिए दिया है कि हम बेसिकली हम ह्यूमन इफर्ट पे ये काम कर सकते हैं, मतलब इसलिए हमने बाइसिकल फ्रेम लिया है। बस यही कुछ नहीं, बस इतना ही मैकेनिज्म हम उठा के लेथ मशीन पे लेके जाएंगे और वहाँ पे जो ओपन ड्राइव जो होता है, मतलब पुली जो घूमती है, वहाँ पे सिर्फ बेल्ट ड्राइव दे देंगे और जब लेथ मशीन शुरू हो जाएगी तभी आपको अपने आप ही ऑसिलेट होगा और एनर्जी स्टोर होगी। और हम इसके क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एयर गन के लिए। वैसे हमने बहुत बढ़िया से ये प्रोजेक्ट हमारा बनाया है, लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।